अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है, तकरीबन 18.5% कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की जीडीपी में। 18.5% ये बहुत बड़ा नंबर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है। इतने लोगों की जिंदगियां इस पर डिपेंड करती हैं। पंजाब में जहाँ पे इतनी जरी ज़मीन अवेलेबल है, यहाँ पे आप सब तकरीबन अगर अंदाज़ा ही लगाना शुरू करें तो आपको समझ आएगा कि कितने लोगों की रोज़गार इस पर डिपेंडेंट है। सो देयरफॉर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको इन बातों से बोर नहीं करना चाहती, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आज के जो मेरे ख़ास मेहमान हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं फॉर पंजाब। पीटीआई को इन्होंने ज्वाइन किया 2018 में। उससे पहले कि इनकी पॉलिटिकल करियर कैसा था, क्या किया, खानेवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उधर इलेक्शंस कैसे कंटेस्ट किए, कभी हार हुई तो कभी जीत, वो सिलसिला कैसा चल रहा था, उनसे बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हुसैन गर्देजी साहब। गर्देजी साहब, आपकी स्पेशलिटी ये है, खास बात ये है कि जो मिनिस्ट्री आपको मिली उसमें आपके पास डिग्री भी है। जी, इज दैट राइट? जी। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मतलब डिग्री तो पहले कभी नहीं थी, सोचा था कभी कि मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनूंगा, इसकी डिग्री ले लेता हूं। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक जमाने में जब हम लड़के होते थे, स्टूडेंट होते थे, तो उस जमाने जब कभी जीओआर से गुजरना और किसी मिनिस्टर के नेम प्लेट पढ़नी, तो हमें तो वो बहुत बड़ी बात लगती थी कि बड़ी दूर की बात है। लेकिन अल्लाह का करम है कि वह आज मैं चौथी कैबिनेट का मेंबर। कभी सोचा था आपने कि मैं सियासत में जाऊंगा? और नहीं, मैं इनिशियली शुरू में मैं बड़ा आइडियलिस्ट था, सियासत में आने का सोचा नहीं था। और वो जैसे आपने कहा ना, मेरी डिग्री भी एग्रीकल्चर में है, तो मैं कहा करता हूँ कि मैं किसान के घर पैदा हुआ, ज़िरात पढ़ी और ज़िरात से मेरी ये रोटी रोजी वाबस्ता है। तो मैं इसी तरह आइडियलिस्ट था, खुद पढ़ के आने के बाद खुद ट्रैक्टर चलाना, खुद काम करना, ये चीज़। अच्छा, आपने अपनी ज़मीनों पे काम किया बकायदा? जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो हालात थे उन्होंने फोर्स किया कि सियासत में आ जाए। और वो हालात क्या थे? हालात एक तो जिस एरिया से मेरा ताल्लुक है वो बैकवर्ड एरिया है बहुत ज़्यादा, और वहाँ गुर्बत थी, जहालत थी, तालीम नहीं थी। फिर ये भी हम देखते थे कि जो ज़िम्मेदार हैं उनके साथ किस तरह ज़्यादती होती है, और किस तरह एक जो डिस्टेंस है ना बिटवीन द गवर्नेंस एंड टू बी गवर्न, हमारे यहाँ जो एक कॉलोनियल एक ट्रेंड है जो आज तक आज भी है, आज भी है। तो वो उसने फिर फोर्स किया कि अब थोड़ा सा सोसाइटी के लिए, थोड़ा सा जो मैं हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए भी कंट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन आपने कहा आप शुरू में आइडियलिस्ट थे। जी। तो उस वक्त के गर्देजी साहब जो एक आइडियलिस्ट थे और आज के गर्देजी साहब, उनमें क्या डिफरेंस है? इनफैक्ट आइडियलिज्म ने मुझे छोड़ा नहीं है, या मैंने आइडियलिज्म को छोड़ा नहीं है कभी भी। उसमें जो उस ज़माने का एक मेरा एग्रीकल्चर के साथ रोमांस था, वो एक डिफरेंट किस्म का था। मेरा लाइफस्टाइल मुझे अच्छा लगता था, वहाँ गांव में काम करना, फिर वहीं जानवरों के साथ वक्त गुजारना। और ज़मींदार होने का भी एक अलग ही नशा है। जी, वो एक नशा था। फिर मेरा एक पैशन था हॉर्स राइडिंग, उसमें मुझे वहीं ज़मीन पे रह के उसकी अपॉर्चुनिटी होती थी। अच्छा, हॉर्स राइडिंग का भी शौक है? जी, बहुत ज़्यादा। और साथ एनिमल लवर था मैं एक वक्त, वो भी था। मैं भैंसे बहुत ज़्यादा रखी हुई थी, तो वो समर आफ्टरनून में मैंने खुद कॉस्ट्यूम पहनना और भैंसों का नहलाना। आप पैशनेट थे? पैशनेट था मैं फॉर एग्रीकल्चर, और उससे जो भी चीज़ मुंसलिक है उससे वो जो भी उससे मेरी अटैचमेंट थी। और
लेकिन फिर सियासत में आके तो आपको वक्त नहीं मिला होगा इन तमाम। जी जाहिर है, जाहिर है। दोबारा से टाइम देना। जाहिर है, सियासत में आके तो फिर ग्रेजुअली मेरी जो प्रैक्टिकल फार्मिंग थी वो कम होती चली गई और अल्टीमेटली प्रैक्टिकल फार्मिंग एक स्टेज आई कि ख़त्म हो गई। और फिर अब अल्लाह के फजल है कि मेरे बेटे ने रिकवर कर दिया है और उसने फार्मिंग शुरू कर दी है। आपके बेटे के कोई ख्वाब है सियासत में आने के? अभी तक तो उसका वो ही मेरी तरह वो भी आइडियलिस्ट है। उसने तो ग्रेजुएशन भी NCNS से किया था और फिर यहाँ MBA किया LSE से। तो फिर कुछ अर्सा जॉब करता रहा है और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको फंसाया है एग्रीकल्चर में। राइट। अच्छा गर्देजी साहब, पाकिस्तान में एक तासुर पाया जाता है और वो ये है कि जो पाकिस्तान का ज़मींदार है, मैं किसान नहीं कहूँगी ज़मींदार कहूँगी, वो एक अमीर आदमी होता है। पंजाब का किसान चौधरी होता है और उसके पास अच्छा खासा पैसा होता है और आराम से वो अपने इलाके में काम भी करवा लेते हैं क्योंकि असर रसूख रखते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी भी आराम से इस्तेमाल हो जाती है। क्या ये बात ठीक है? मैंने तो हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ बेचा है और इलेक्शन लड़ा है, तो मैं तो नहीं कह सकता कि ज़िम्मेदार के पास पैसा होता है इतना। असर रसूख ज़रूर होता है, असर रसूख, बल्कि इसको मैं यूँ कहूँगा कि ज़िम्मेदार जो है ना उसका ज़मीन के साथ और ज़मीन पर रहने वालों के साथ एक कनेक्ट होता है। वो तो नेचुरल सी बात है, इलाके वो उनका इलाका होता है और वो एक कनेक्शन होता है जो जो उनको ज़मीन के साथ और वहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट करके रखता है। जहाँ अब अर्बन लाइफ तो टोटली डिफरेंट होती है ना, आपको कई दफ़ा ये नहीं पता होता कि आपके हमसाए में रह कौन रहा है और वहाँ उनके यहाँ कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई नहीं हुई, कोई या कोई सोशल एक्टिविटी है, तो कई दफ़ा वो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, आपका ताल्लुक ही नहीं होता। लेकिन क्या पाकिस्तान का किसान जो है वो अमीर होता है, ये बात सच है? पाकिस्तान का किसान दिल के लिहाज से बहुत अमीर होता है। No, that's a political answer. नहीं, political नहीं है, मैं हकीकतन कह रहा हूँ कि दिल के लिहाज से बहुत अमीर होता है, दिल वाला होता है। और ये भी एक बात है कि बहुत सारे हम देखते हैं ज़मींदार जो होते हैं वो सियासत में जाने का इंतखाब इसलिए करते हैं ताकि इलाके में और पावर मिले, क्या ये बात भी ठीक है? या उनके मसाइल इस किस्म के होते हैं कि वो सियासत में आए बगैर वो हल नहीं हो सकते या सियासी कोई सपोर्ट बगैर हल नहीं हो सकता। कई दफ़ा तो कई इश्यूज जो छोटे मोटे हो जाते तो वो कोई पॉलिटिकल असर व रसूख हो तो उससे वो हल हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग सियासत में आते हैं और अपने इलाके के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं असेंबली में आकर, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे आपके इलाके के लोगों को भी इनकरेजमेंट मिलती है कि वोट एक पढ़े लिखे एक समझदार इंसान को डालना है। आज जब आप इलाके में अपने वापस जाते हैं खानेवाल वीकेंड पर जाते होंगे आई एम श्योर, असेंबली के सेशन होते हैं ड्यूरिंग वीकडेज, तो क्या एहसास होते हैं उस वक्त आपके और लोगों के क्या एहसास होते हैं? लोग देखे ना, जो शहरों में लाइफ है ना वो टोटली डिफरेंट है। देहाती आदमी बेचारा, एक तो उसमें तालीम की कमी है, दूसरा उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम आम हालात में महसूस नहीं करते। वो उसका जो जायज़ काम है वो किसी सरकारी एहलकार को कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकता कि ये मेरा काम जो है ये मेरा जायज़ है और मेरा राइट है इस काम को कराना, उसमें ये एतमाद ही नहीं है। और वो कॉलोनियल एक हमारा सिस्टम था ना, कॉलोनियल सिस्टम में हर दफ्तर के आगे एक चिक लटकी होती थी और चिट के बाहर एक डंडा वाला बंदा बैठा होता था जो स्टेट की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और लोगों को
वो जो मैंने शुरू में बात की है, गवर्न होने वाले और गवर्न करने वालों में एक डिफरेंस या डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ये निज़ाम किया जाता था, तो वो उसके असरात आज तक वैसे ही चल रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ जो हमारी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है वो उस तरह ओपन अप नहीं हुई, और यहाँ बल्कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ओपन अप हो ना, उसके फिर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। बिल्कुल, आपने सियासत का आगाज़ किया, लेकिन कुछ इलेक्शन ऐसे रहे जिसमें हार का सामना भी करना पड़ा। जी जी, वो यादें कुछ अगर आप ताज़ा करना चाहें, अभी आई नो इतनी अच्छी यादें नहीं होंगी, बट यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जी, इनिशियली तो सियासत में अपने लिए स्पेस बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, और वो डिफ़िकल्टी मुझे भी फेस करना पड़ी, और लेकिन शुरू में इलेक्शन हार है, लेकिन फिर अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने मेहरबानी की, इलेक्शन मैंने काफ़ी सारे लेकिन डिसअपॉइंट नहीं हुआ। आपने ये नहीं सोचा चलो सियासत छोड़ो, हूँ तो मैं ज़मींदार, अपनी पैशन भी है, ज़मीन से इश्क है, जानवरों से प्यार है, इसी में लगा रहता हूँ? नहीं, वो एक मेरे अंदर एक आंसर है कि मैं किसी चीज़ को रास्ते में नहीं छोड़ूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचा के फिर ही खैर बात। पीटीआई ज्वाइन करने पे आपको ऐसा लगा कि आप लॉजिकल कंक्लूजन पे अपने पहुँच चुके हैं? एक्चुअली फिर वही आइडियलिज्म की बात आ जाएगी ना, मेरा लिए ये जो बेसिक इशू है ना सियासत में वो करप्शन है, और मुझे ये तकलीफ होती है कि मैं जब अपनी प्रॉपर्टी बेच के इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैं अपने बच्चों का हक मार रहा हूँ, और उसके मुकाबले में मैं देख रहा हूँ दाएं बाएं कई लोग हैं जो फ्रॉम नोबडी टू समबडी बन जाते हैं सियासत में आके, तो वो मुझे तो तकलीफ होती है ना कि ये क्यों ऐसा है। तो इसी वजह से मैंने पहले मेरी पॉलिटिकल करियर का आगाज़ पीपल्स पार्टी से हुआ था। बिल्कुल, और उसके बाद मैंने फारूक लगारी को ज्वाइन किया जब उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, और उस मिलत पार्टी के नाम से उन्होंने पार्टी लॉन्च की, उसका मैं पंजाब का सदर था। बिल्कुल, और उनके साथ कोई उसके उनके साथ कोई? उनके साथ ज्वाइन करने की बुनियादी वजह ही यही थी कि ही वॉज एन अपराइट पर्सन, और बल्कि एक बार मैंने किसी इशू पे ऐसी कोई बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि और लोगों ने तो शायद आपको इसलिए ज्वाइन करना होगा कि क्या उनके लिए पॉलिटिक्स में स्पेस क्रिएट होती है कि नहीं होती। बिल्कुल, मैंने आपको इसलिए ज्वाइन किया है कि जो मेरे बुज़ुर्गों ने वैल्यूज़ मुझे अंदर इनकलकेट किए हैं, मुझे उनकी रिफ्लेक्शन आप में नज़र आती, और मैंने पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं जो आपको ज्वाइन किया, और यही वजह थी इमरान खान को ज्वाइन करने की। मैंने इमरान खान को वो फारूक लगारी की डेथ के बाद उसकी डेथ के कुछ अर्सा बाद ज्वाइन कर लिया था। लेकिन फारूक लगारी साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई पहली बार? फारूक लगारी साहब के वालिद साहब और मेरे बुज़ुर्ग पंजाब कैबिनेट में इकट्ठे कोलीग्स थे 50s में जो कैबिनेट बनी थी, पर उस वक्त से हमारा उनका थोड़ा बहुत फैमिली ताल्लुक है। ठीक, और फिर जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो वही ऑडियलिज्म की बात आ रही है कि हमें बेनज़ीर भुट्टो में एक ग्लैमर नज़र आता था बहुत ज़्यादा, और इसीलिए हमने तो हम बेनज़ीर भुट्टो को ज्वाइन करना ही बेहतरी समझी, और हमारे ख्याल था कि शी इज़ लिबरल, शी इज़ एजुकेटेड, शी हैज इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो हमें तो वो इंग्रेडिएंट्स जो एक पॉलिटिशियन या लीडर में होने चाहिए बेनज़ीर में नज़र आए, इसलिए पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। और फिर पीपल्स पार्टी के विद इन पीपल्स पार्टी बेनज़ीर तो ऊपर थी ना,
पंजाब में जो बाकी लोग थे, बिल्कुल, तो उनमें ऑब्वियसली मुझे फारूक लगारी में और बाकी लोगों में डिफरेंस नज़र आया, तो ऑटोमेटिकली वो एक मैं उस तरफ मेरा झुकाव हो गया। लेकिन PMLN में भी फिर आप गए? ये मैंने इसलिए ये 2013 में मैंने टिकट के लिए, तो मैंने बताया ना PTI ज्वाइन की थी, लेकिन 13 में फिर PTI ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। तो इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद फिर उसकी इंडिपेंडेंट जब आप इलेक्शन लड़ के जीत के आते हैं ना, तो कुछ और कंपल्शंस होती हैं आप। आई अंडरस्टैंड। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनकी खातिर। तो फिर उनकी खातिर, उनके इंटरेस्ट की खातिर फिर मैंने PMLN ज्वाइन की। वैसे वो तजर्बा रहा कैसे, वो अरसा जो गुजरा आपका उनके साथ? तजर्बा शुरू में तो मुझे लगा कि ठीक है, शुरू में मुझे लगा कि जी वो जब मैंने शुरू में मुझे लगा कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चूँकि चीफ मिनिस्टर थे, इनिशियली मैंने लगा कि द मैन इज़ एजुकेटेड एंड मैन हैज़ सम विजन, एंड तो इसलिए शुरू में मुझे लगा कि शायद मैं ठीक जगह पे आ गया। शहबाज शरीफ के साथ कैसे ताल्लुक थे आपके? शहबाज शरीफ के साथ आई मीन हाउ डिड यू फाइंड हिम एज अ लीडर, कैसे लगते थे आपको लीडर के तौर पे? मैं चूंकि अब उनको के साथ चंद दिन गुजारे हैं, तो अब इस तरह ओपनली क्रिटिसाइज करना कोई इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन उनमें कुछ मेरे हिसाब से कुछ बातें जो थी वो नहीं थी। जैसे उनका एक फोकस जो था वो पर्टिकुलर एरियाज में था, उनका फोकस सिलेक्टिव था बहुत। जैसे एग्रीकल्चर की आप बात करते हैं, तो मेरा तो पैशन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और ये चीज़ें, और उनके दौर में कमेटी बनाई गई एग्रीकल्चर के लिए, मैं उसका कन्वीनियर था, मुझे बनाया गया। और उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि जी मैंने सुना आप पढ़े लिखे, मैंने कहा जी थोड़ा बहुत हूँ, मैंने आपसे काम लेना है, आपकी एक्सपर्टी जो है एग्रीकल्चर की, तो उससे फ़ायदा उठाना। वो कमेटी बन गई, कमेटी में हमने एक रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट प्रेजेंट हुई, लेकिन फिर उसके बाद एक और कमेटी बन गई। अच्छा, कमेटी पे कमेटी। और क्योंकि एग्रीकल्चर उनके फोकस में नहीं था, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता था, इसलिए वो फिर दूसरी कमेटी बन गई, दो तीन बंदे और ऐड कर दिए, और फिर वही रिकमेंडेशंस, वही बस सिलसिला चलता रहा, रोल ओवर, अंग्रेजी आगे पीछे करके, राइट। फिर दूसरी रिपोर्ट आ गई, फिर तीसरी कमेटी बन गई, और बस पहिया गोल गोल घूमता रहा। फिर तीसरी के बाद अब ये नहीं बोलेगा चौथी बन गई। चौथी बार वर्ल्ड बैंक से कंसल्टेंट आए कि वो रिकमेंडेशन देंगे कि क्या करना है, और वो जब वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट्स ने अपनी रिपोर्ट पेश की, वो था ये 2017 का एंड था या 18 का शुरू था, तो मैंने उस दिन उसी वक्त कहा कि मैं अपनी ज़बान में बात कर रहा हूँ ताकि ये इनके एहतराम में जो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट, मैंने कहा कोई एक रिकमेंडेशन इसमें ऐसी है जो 2014 में जो पहली कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें ना हो, so there was nothing innovative. बात यह है कि बातें तो वही थी जो हमने शुरू में ही रेकमेंड की थी, और वो उस वक्त की चार कमेटियां बन चुकी थी, लेकिन उन पे अमल दरामद की कमी थी, अमल दरामद नहीं हुआ था, अमल दरामद का एक।
गर्देजी साहब, ऐसा क्यों है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर, इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारे जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर, लेकिन कभी इसमें वो अटेंशन और फोकस में किसी एक हकूमत की, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड सीरियस अबाउट दिस, किसी एक हकूमत की बात नहीं कर रही, जिक्र नहीं कर रही, ना या ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्योंकि उनकी अटेंशन या फोकस नहीं रहा टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। कितने लोगों की रोजगार इससे जुड़ी हुई है, चाहे छोटा किसान हो, मीडियम साइज किसान हो, बड़ा किसान हो, बट कितने लोग इससे एसोसिएटेड हैं? ये आपके जो सवाल है इसके मैं दो हिस्से करके जवाब दूंगा। sure, प्लीज। पहली बात कि इस पे अटेंशन क्यों नहीं रही, ये अर्ली 60s तक अटेंशन थी, अटेंशन रही, और फिर उस वक्त 60s में ही एक फॉरेन कंसल्टेंट आए थे जिनको हार्वर्ड ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, और उन्होंने जो यूरोप का डेवलपमेंट मॉडल था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, और वो डेवलपमेंट मॉडल ये था कि आप इंडस्ट्री डेवलप करें, लेबर आपकी अर्बन एरियाज में मूव करके इंडस्ट्री में अकोमोडेट हो जाएगी, और उसके बाद जैसे रूरल एरिया में फिर मैकेनाइजेशन हो जाएगी और वो डेवलपमेंट हो जाए। राइट। वो मॉडल जो है ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, यही पॉलिसीज बनी, और लेकिन वो चूंकि हमारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, यूरोप में तो इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है ना, तो इसलिए वहाँ यहाँ पे आके हमें कुछ मुश्किलात पेश आई, जो वो माइग्रेशन थी जो यूरोप में हुई, यूरोप में कहते थे ये माइग्रेशन जिस स्पीड से होगी उतनी स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में एम्प्लॉय हो गए। हमारे यहाँ माइग्रेशन ज़्यादा हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो थी, अर्बन स्लम्स एक तरफ बन रहे थे, दूसरी तरफ रूरल एरिया पे जो तवज्जो आनी चाहिए थी वो ना आई, तो उसका नतीजा है। और आज भी मैं ये समझता हूँ, फिर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जब आती रही है ना, उस माइंड सेट को चेंज नहीं किया गया, वो एग्रीकल्चर को उसी तरह बैक बर्नर पे रखा गया है ना, उसमें वैल्यू एडिशन हुई। बासमती हमारा जी, जी, बासमती चावल एक बहुत बड़ी मिसाल है, बल्कि आपकी अचीवमेंट, आई'd लाइक टू हाईलाइट इट, आपने बल्कि ये इशू टेक अप किया विद द पीएम। जी, मैंने पीएम साहब को मैसेजेस किए, टेक अप किया जब ये इंडिया ने अपना सोल राइट के लिए यूरोपियन यूनियन में केस किया कि ये बासमती जो है, लेने की बासमती जो है उसकी जेनेटिक आइडेंटिटी जो है वो इंडिया की है, इंडिया की है, इंडिया की है, हमारी है, तो उससे ये होता कि फिर अगर इंडिया के नाम से रजिस्टर हो जाता तो फिर पाकिस्तानी बासमती राइस की एक्सपोर्ट यूरोप में हो ना सकती, बिल्कुल WTO के हिसाब से। Absolutely. तो हमने टेकअप किया, फिर पीएम साहब ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी कहा, मैंने भी कॉमर्स मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा, और मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनने के फौरन बाद ही जो पहला काम किया था यही किया। अरे था। बहुत बड़ा काम है क्योंकि, और वो अब अल्लाह की मेहरबानी से इशू था, हमारी गवर्नमेंट ने चैलेंज किया उसको फिर, और उस वक्त थोड़े दिन रह गए थे चैलेंज करने के लिए, बिल्कुल मुझे मेरा ख्याल है 17 दिन बाकी थे चैलेंज करने, और वो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चैलेंज किया, और फिर अल्लाह करम अब हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और हमारा केस बहुत मजबूत है इंडिया के मुकाबले में। एब्सोल्युटली, लेकिन देखें इसमें करने की बात है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बी अ डूअर, और yes, वो आपने yes. किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाकी जो एरियाज हैं विद इन एग्रीकल्चर, जो इस सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे उसमें वैल्यू एडिशन हो, चाहे उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए एग्रीकल्चर जो हमारा है,
कई दफ़ा इस पे क्रिटिसिज्म भी आता है, कहते हैं जी हमारी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत से ऐसे मुल्कों से जो एग्रीकल्चर में एडवांस हैं उनसे कम है, यील्ड हमारी बहुत कम, हमारी यील्ड कम है, तो उस पे क्या हो रहा है? उसमें सिस्टम, ये सिस्टम की खराबी है। अब उसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जो हमने एग्रीकल्चर पे, जैसे मैंने कहा ना, हमने उस अंदाज से इन्वेस्ट नहीं किया, हमने मैकेनाइजेशन नहीं की। एब्सोल्युटली, बट गर्दी साहब, व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग अबाउट दिस नाउ? प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है और वो एक रोड मैप बना है। कई चीज़ें थी जो साल आ साल से स्टक थी, मसलन मैं आपको इनकी मिसाल दे देता हूँ जी। सीड एक्ट हमारा बना था 70s में, 76 में, तो अब वो जो वक्त के तकाजे हैं, जो अब रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा नहीं करता था। इसलिए एक तो उसमें सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू था, ब्रीडर्स राइट जो है उसको प्रोटेक्ट करना, और फिर उसकी सीड की वेरिफिकेशन करनी। तो हमने तो अब आते साथ प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस में लाया कि सीड एक्ट 2015 में अमेंड हो गया था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स, लेकिन 2015 से आज 2021 आ गया है, उस पे अमेंडमेंट्स के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ था। प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने वेरी ग्रेशियसली टुक अप द इशू, और अब वो रजिस्ट्री भी बन रही है और उसको सीड एक्ट को वो अब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, क्योंकि सीड फेडरल सब्जेक्ट है, सीड को मैनेज फेडरल गवर्नमेंट करती है, और प्रोवेंशल लेवल पे हम वैराइटीज रजिस्टर करते हैं, और फिर अभी मैंने मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी वैराइटी किसी चीज़ की भी होगी, चाहे गंदम की हो, चाहे कपास की हो, चाहे किसी फ्रूट की हो, चाहे किसी कोई दाल हो, कोई भी चीज वैराइटी नई आएगी ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन उस वक्त हम करेंगे जब उसका डीएनए साथ देंगे। ठीक। दूसरा हम उस वक्त करेंगे जब फिंगर प्रिंटिंग उसकी साथ होगी। राइट। और उस वक्त रजिस्टर करेंगे जब उसका बायोसेफ्टी सर्टिफिकेट साथ होगा। ये अभी हमने पंजाब में ये तब्दीली फौरी तौर पे, अगले माली साल में बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आने वाली हैं आपके। जी कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, कि ये एक टेक्निकल चीजें हैं। राइट। करदेजी साहब, आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पढ़े लिखे लोग जब कैबिनेट में नजर आते हैं और जिनके अंदर शौक हो, पैशन हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि नया पाकिस्तान नज़र आ रहा है। वेल, वक्त ही कमी है, वरना मैं आपसे मज़ीद और गुफ्तगू करती, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि कुछ माह बाद जब बजट आ जाएगा तो मज़ीद एक और गुफ्तगू इसी सब्जेक्ट पे ज़रूर होनी चाहिए। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। मैं अभी तो एग्रीकल्चर इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें तो घंटों अगर बात करें तो किसी एक क्रॉप पे बोल सकते हैं, और उम्मीद की किरण खास तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है कपास में जो डिक्लाइन आया, उस पर बात नहीं हो सकी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं इजाजत लूंगी आपसे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा न्यूज़ 1 TV।